कोई शो भी नहीं बना ना आई मीन आई नो हर किसी को अपना शो ही सबसे अच्छा लगता है बट फ्रॉम वट एवर आई एम सी राइट ना वट एवर आई अलग ही था शो, True. Uh, एक तो रोती भी लगती औरतें नहीं है उसमें कोई सास किसी की प्रताड़ित नहीं कर रही है किसी को आप मस्त एकदम सेक्सी सी वर्दी पहन के घूम रहे हो Haan. मार पीट कर रहे हो लोगों से और जज्बात से केस सॉल्व कर रहे हो आई मीन hmm. वॉट एल्स यू वॉन्ट तो वो शो अपने आप में ऐसा मैजिक था कि एंड प्लस हम टीम कमाल की मिल गई जितनी जो हम चार लड़कियां थी हाँ. आ, मैं इसमें पुष्पा जी को भी लड़की बोल रही हूँ आई होप शी सीज दिस इंटरव्यू शी मारेगी मुझे <laughs> <laughs> तो ये हमारा अभी भी चलता रहता है हाँ हाँ हम हाँ, हाँ, अभी भी जो है हम लोग अभी कुछ दिन पहले ही सब लोग मिले थे अच्छा. मतलब जब जो अवेलेबल होता है तब हाँ. वो मिल लेता है याद आती है, वाली। हाँ तो वो एक्टर्स भी बहुत अच्छे थे स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी थी हमको मजा भी आता था बहुत करने में एंड आई थिंक हमने उसका तीन साढ़े तीन साल में भरपूर पूरा अच्छे से आनंद उठाया है hmm. पूरा अच्छे से निचोड़ के आनंद उठाया है पूरे मजे लिए चाहे वो एज एन एक्टर हो चाहे वो पर्सनली सेट पर हो ऑफकोर्स uh, मुझे याद आती है बट मुझे ये नहीं लगता कि वो प्री खत्म हो गया है या hmm. कुछ और हो सकता था hmm. क्योंकि एक पॉइंट ये भी था कि जब कहानियां रिपीट होने लग गई थी hmm. तो हम समझ भी गए थे कि यार अब कुछ है नहीं करने को hmm. Hmm. है ना महिला पुलिस थाना जिसमें आपके पास ऑफ कोर्स क्रिएटिव रिस्ट्रिक्शन है आप कितना कर लोगे वी स्टिल मिल्क सेवन फोर्टी एपिसोड आउट ऑफ इट सो वी आई मिस द फन एंड एवरी थिंग बट आई एम इन अ गुड स्पेस की हाँ हम जो जितना कर सकते थे हमने वो पूरा कर लिए उसमें एक सोशल मैसेज भी होता था exactly. हर, कहानी में कुछ ना कुछ सीखने को होता exactly. था इट गिव सो मच स्ट्रेंथ टू सो मेनी पीपल लाइक सो मेनी गर्ल्स एंड सो मेनी किड्स केम अप टू मी एंड टोल्ड मी कि मतलब ठीक है एक कॉम्प्लीमेंट होता है कि हम आपकी तरह बड़े होकर एक्टर बनना चाहते हैं बट आई थिंक उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए था व्हेन किड्स वुड कम एंड टेल मी कि हम बड़े होकर पुलिस वाली बनना चाहते हैं hmm. और हम आपके जैसे हसीना मलिक जैसे पुलिस वाले बनना चाहते हैं सो आई एम लाइक इन इन माई हेड इन अ अ वेरी स्मॉल वे आई 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 मेड डिफरेंस एड समथिंग टू द सोसाइटी इन दिस वर्ल्ड ऑफ रिग्रेसिव शोज जहा थालियां उड़ रही है और सिंदूर उड़ रहा है और रैट पॉइजन खिलाया जा रहा है आई डोंट नो आई डोंट नो मक्खी वक्की बन रहे लोग भगवान जाने क्या हो रहा है तो ऐसे में अ शो

और hmm. बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आती थी कि आप कोई ड्रामा ऐसा देख रहे हो जिससे आपको स्ट्रेस आएगा नो वी जस्ट वेट फॉर द एंटायर लाइक सीन सीक्वेंसेज के अच्छा अब क्या होगा अब क्या yeah, होगा एग्जैक्टली फील गुड ना फील गुड हां और एंटरटेनमेंट विद अ मैसेज इट्स अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन स्पेशली राइट नाउ ना अभी तो आई थिंक हर जगह कॉमेडी बंद ही हो गया है स्लाइस ऑफ लाइफ ऐसा मस्ती हल्का फुल्का जो आप काम खत्म करने के बाद देखकर खुश हो जाओ वो तो बंद ही हो गया है यार हर जगह इतना सीरियस हर जगह इतना ड्रामा हर जगह इतना ढडन ढडन कि वो थोड़ी देर बाद ना एक तो मुझे वैसी मैं बहुत वैसी ड्रामेटिक मैं एनिमेटेड एक्सप्रेसिव जरूर हूँ पर मुझे ना वैसा ड्रामा नहीं पसंद जिंदगी में हा, कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया <laughs> तब मैं आ, ना रियल लाइफ में होता है मुझसे ना वो, मतलब वो वैसा अदरवाइज होता है तो मुझे वो घबराहट ही होने लगती है आजकल सब कुछ इतना सीरियस सीरियस देखकर एक अपनी लाइफ का स्ट्रेस एक टीवी वाली लाइफ का स्ट्रेस उसके साथ क्या हो रहा है भाई खुद की लाइफ में कम है क्या स्ट्रेस टीवी पे तो एटलीस्ट जो आप देख रहे हो यू शुड बी लाइक अबाउट इट नो कि हाँ, चलो देखा हाँ. मजा आया मस्त चार वाली हैं जज्बात से जो है केस सॉल्व कर रही हैं एक मार काट कर रही है और एक इनका बिल्लू दस पाए है हुँ. बस आधा घंटे का हाँ. really like बहुत सारे आई थी आपको पता ही है हुँ. आप लोगों का इंटीग्रेशन हुआ था उसके बाद जो की आप छोड़ जाएंगी और उसको आगे लेकर जाएंगी बट वो भी नहीं चला ऐसा कुछ नहीं था ऐसा कुछ नहीं था ऐसा वो शायद उनको पपलू बनाया होगा पर ऐसा कुछ था नहीं कि वो सीजन टू कंटिन्यू करेंगे अच्छा ओके okay, ओके okay. तो अभी भी सीजन टू मिस्ट्री बना हुआ है नहीं नहीं सीजन टू तो आई थिंक आ रहा है ना आई थिंक दे आर डूइंग इट सीजन टू विद अ कंप्लीटली न्यू कास्ट आई वी हैव आल्सो हर्ड अबाउट इट कंप्लीटली न्यू स्टोरी पूजा शर्मा का नाम आ रहा था अगर मैं गलत नहीं हूं तो कि शी विल प्ले मैडम सर द मेन कैरेक्टर शी इज अ नाइस एक्टर या

सर आई थिंक जितना मुझे सुनने में आया है सूत्रों से इट्स अ डिफरेंट कम्प्लीटली न्यू शो आई थिंक कैरेक्टर्स भी न्यू है थाना भी नया है सब कुछ नया है एंड आई डों थिंक इट्स इवन बींगल्ड मैडम सर और इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ मैडम सर एज फार एज आई नो इट्स अव शो फॉर ऑल आई केयर बट लाइक आई सेड ऑल द बेस्ट टू द टीम चाहे वो हम करें या चाहे कोई और करे hmm. सब मेहनत उतनी ही करते हैं बीच में कुछ कुछ जो फैंस बोल रहे थे कि नहीं आप नहीं करोगे तो हम नहीं देखेंगे मैंने सबको डांट है मैंने बोला ऐसा नहीं करना हुए बहुत मेहनत लगती है यार bilkul, एक शो बन बिल्कुल लाइक यू गैज कम ऑन द सेट यू नो कितना मेहनत कितना डे एंड नाइट करते हो आप hmm. तो वो मैं करूँ या कोई और करे यार मेहनत उतनी hmm. बताइए